लेटेस्ट न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पीएम मोदी ने पीएमओ कर्मचारियों को किया संबोधित। पीएम बोले कि समर्पित टीम के बिना नहीं मिलता परिणाम। कहा, लोगों के विश्वास से मिली काम करने की प्रेरणा। पीएम दिखता है अखबार में, पीएम दिखता है, बधाइयां भी पीएम के खाते में जमा होती है, लेकिन जब तक कोई टीम नहीं होती है और समर्पित टीम नहीं होती है, तब तक सपने कितने ही बहुत सुहाने हो, संकल्प कितने ही दृढ़ क्यों न हो, इरादे कितने ही नेक क्यों न हो, परिणाम मिलना बड़ा मुश्किल होता है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने की इस्तीफे की पेशकश। कार्य समिति की बैठक में अपनी हार पर मंथन कर रही है कांग्रेस। केंद्र में नई सरकार के गठन की कवायद तेज। बीजेपी और एनडीए के सांसदों की बैठक आज। पीएम मोदी को औपचारिक रूप से चुना जाएगा संसदीय दल का नेता। मंत्रिपरिषद से इस्तीफे के बाद पीएम मोदी ने कहा, सरकार के काम से जिंदगियां होगी रोशन। पीएम ने नए भारत के निर्माण की दोहराई प्रतिबद्धता। पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत के बाद दुनिया भर के नेताओं ने दी बधाई। ट्रंप ने दोबारा फोन करके कहा, मोदी एक महान नेता के साथ एक अच्छे इंसान भी। G20 सम्मेलन में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे ट्रंप। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने दी पीएम मोदी को बधाई। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मिलकर करेंगे काम। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार से पार्टी में मचा हाहाकार। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर समेत 3 पदाधिकारियों ने राहुल गांधी को भेजा इस्तीफा। पश्चिम बंगाल में लोकसभा नतीजों के बाद ममता भी करेगी हार पर मंथन। ममता ने बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक। आंध्र प्रदेश में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज। जगमोहन रेड्डी को विधायक दल का नेता चुने जाने के लिए वाईएसआर कांग्रेस दल की बैठक आज। सिक्किम उड़ीसा में नई सरकार बनाने की कवायद जारी। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक और उपलब्धि की हासिल। लक्ष्य ढूंढकर भेजने वाली स्वदेशी गाइडेड बम का सफल परीक्षण। सूरत कोचिंग सेंटर में आग लगने से 20 बच्चों की मौत। कोचिंग सेंटर मालिक समेत 3 पर केस दर्ज। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हादसे की जांच जारी। राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। विश्व कप में आज अपनी तैयारियों को परखने मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। टीम इंडिया न्यूजीलैंड से खेलेगी आज अपना पहला प्रैक्टिस मैच। गुवाहाटी में इंडियन ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने 12 गोल्ड सहित 57 पदक किए अपने नाम। मैरीकॉम और सरिता देवी ने सोने का तमगा किया हासिल। अमित पंगल और शिव थापा ने भी जड़ा गोल्डन पंच। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।